मैकेनिक 37 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह वीडियो ड्रोन बनाने के ट्यूटोरियल के लिए पहली वीडियो है। यह पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रोन बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और इस मटेरियल को ड्रोन की फ्रेम पर इंस्टॉल कैसे करते हैं। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो रोबोट कैसे बनाएं, मोबाइल से लाइट फैन कैसे कंट्रोल करें, एलपीजी गैस सेंसर के लिए वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। स्टेप 1, ड्रोन बनाने का मटेरियल। ब्रशलेस मोटर, आपको 4 ब्रशलेस मोटर चाहिए होंगी क्वाडकॉप्टर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर यानी ESC, ये भी आपको 4 चाहिए होंगे। ये DC मोटर कंट्रोल करते हैं। 4 प्रोपेलर यानी पंखुड़ियां। 4 आर्म आपके ड्रोन की फ्रेम के साथ आएंगी, यानी यही फ्रेम है। इस पर आपको इस प्रकार DC मोटर लगाना है, BLDC मोटर। लिपो बैटरी, फ्लाइट कंट्रोलर 2.1.5, रिसीवर FSIA6, और ट्रांसमीटर FSI6। लिपो बैटरी चार्जर, लिपो बैटरी टेस्टर और अलार्म, बैटरी लो होने पर ये बीप करेगा ऐसे। इस पूरे मटेरियल को खरीदने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप इस लिपो चार्जर से 3S और 2S दोनों बैटरी चार्ज कर सकते हो। इस मटेरियल को फ्रेम पर इंस्टॉल करना और फ्रेम असेंबल करना। नीचे वाले PCB में आपको इस तरह T कनेक्टर ऐड करना है और सभी ESCs के T कनेक्टर रिमूव करके आपको इस PCB पर सोल्डर करना है। मैंने चारों ESC PCB पर सोल्डर कर लिए हैं। अब हम इस PCB से फ्रेम की आर्म्स असेंबल करेंगे। ये एलन की है और ये वोल्ट, ये फ्रेम के साथ ही आएंगे। पहले आपको चारों आर्म्स में ब्रशलेस DC मोटर ऐड करनी है
और उसके बाद में ये सब। मैं पीसीबी को आर्म से बोल्ट की हेल्प से जोड़ रहा हूँ जो इसी फ्रेम के साथ आएंगे, और एलन की आपको खरीदनी पड़ेगी। इस वीडियो को मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि यदि ये सभी पार्ट एक वीडियो में होते तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ये पहला पार्ट है और जल्द ही आपको दूसरा पार्ट या तीसरा आया तो तीसरा भी पार्ट आपको मिल जाएगा। नीचे का पीसीबी असेंबल हो चुका है, अब आपको ऊपर की प्लेट बोल्ट की हेल्प से कसना है। इन सभी ESC को मैं केबल टाई से जोड़ रहा हूँ। आप धागे का यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे सही से वो जोड़ नहीं पाएगा, केबल टाई बेटर रहेगी। अब हमारी फ्रेम असेंबल हो गई है। अब इसके ऊपर फ्लाइट कंट्रोलर और रिसीवर डुअल साइड टैप से लगाने हैं, और लिपो बैटरी हम नीचे वाली बेस प्लेट से जोड़ेंगे। वाइब्रेशन फ्लाइट कंट्रोलर तक ज़्यादा ना पहुँचे इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ।
फ्लाइट कंट्रोलर को आपको इस तरह रखना है। इसी प्रकार आप रिसीवर को भी फ्रेम पर रख दें। लिपो बैटरी को भी आप फ्रेम से डुअल साइड टैप से भी सेट कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल के लिए दूसरे पार्ट की वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा।